नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर दौड़नी शुरू हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हवन पूजन के बाद पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 300 और इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही आएंगी। इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत से दिल्ली सरकार को प्रदूषण के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिलेगी। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 300 और इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण के खिलाफ जंग में मिलेगी बड़ी जीत। दिल्ली के सड़कों पर पहली इलेक्ट्रिक बस चलनी शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल ने पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। इंद्रप्रस्थ डिपो से पहली इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया गया है। सीएम केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हवन और पूजन के बाद इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। सीएम केजरीवाल ने खुद बस पर सवार होकर यहां मौजूद जनता का अभिवादन किया है। पहली दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस बस के साथ दिल्ली में DTC के बेड़े में जल्द ही 300 और इलेक्ट्रिक बसें जुड़ेगी। आने वाले सालों में जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी। दिल्ली में आज पहली इलेक्ट्रॉनिक DTC बस को हरी झंडी दिखाई गई है। हम लोग इस वक्त बस में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी लो फ्लोर बस, और यहाँ पर सीट्स क्राइटेरिया भी है। पिंक सीट लेडीज़ के लिए और बाकी ब्लू सीट्स जेंट्स और बुजुर्गों के लिए। हमारे साथ बस के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पहली इलेक्ट्रॉनिक बस है, बस चलाने में और बस में क्या क्या खासियत है। इस टाइम आप गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी स्टार्ट है हमारी, तो आप सुन सकते हैं कुछ साउंड है कि गाड़ी में नहीं है। इसमें इतना फ़र्क है मैडम, उस गाड़ी को हम जो 8 घंटे भी चलाते थे तो इसको हम 12 घंटे भी चलाए तो शरीर को कोई थकान महसूस नहीं होती, कुछ नहीं महसूस होता। बहुत ही बेस्ट गाड़ी निकाली है। इस टाइम बस चालू है, हम लोग बस में मौजूद हैं, लेकिन हमको खुद को भी महसूस नहीं हो पा रहा कि ये बस चालू है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बस की खासियत के बारे में बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम विशाल है। और एक्चुअली खासियत की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी व्हीकल है जो दिल्ली में आ रही है, और इस बस को लाने के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट दिल्ली सरकार का है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि अप्रैल मई तक 300 बसें और उसके बाद 200 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्लान है। हमारे साथ खुद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बसें आज चालू करी गई? आज तो पहली बस जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस है उसको हमने फ्लैग ऑफ किया है सीएम साहब ने। आने वाले समय में जैसे सीएम साहब ने भी कहा, अप्रैल मई तक जो है 300 बसें हम ऐड कर देंगे और आने वाले वर्षों में हमारा पूरा 2000 बसेस का प्लान है। सर, बस की खासियत की बात करें तो किस किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या क्या खासियत है बस? देखिए, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये 100% इलेक्ट्रिक बस है, तो मतलब कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। सर, बस इलेक्ट्रॉनिक है तो चार्जिंग जो पॉइंट्स होंगे इनको कैसे चार्ज किया जाएगा, कहाँ का इसकी? हर एक डिपो में चार्जिंग फैसिलिटी जो है वो क्रिएट की जा रही है। काफ़ी डिपोज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे बन के तैयार हैं। सर, चार्ज होने के बाद कितने कितने किलोमीटर तक ये बस चलती है? इसकी मिनिमम 120 किलोमीटर जो है वो चलेगी, उसके बाद इसको दोबारा चार्जिंग की आवश्यकता है और लगभग 1 घंटे में ये फास्ट चार्जिंग करके इसकी पूरी चार्जिंग हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक बस की खासियत की बात करें तो इसमें 0 धुआं, 100% बिजली से चलेगी। 12 मीटर लो फ्लोर AC बस है। दिव्यांगों के लिए रैप है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पैनिक बटन, महिलाओं के लिए पिंक सीट, GPS और लाइव ट्रैकिंग की भी सुविधा है। पहली इलेक्ट्रिक बस के लिए अभी ट्रायल रन के लिए एक छोटा सा रूट तय किया गया है। इंडिया गेट, हाई कोर्ट और ITO तक एक दिन में 8 से 10 चक्कर लगाएगी। इसके बाद ये 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी इलेक्ट्रिक बस। IP डिपो से ITO, AGCR, तिलक मार्ग, मंडी हाउस,
बाराखंबा रोड, कनाट प्लेस, जनपद, राजेश पायलट रोड, पृथ्वीराज, अरविंदो मार्ग, सफदरजंग, रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, भोगल, जंगपुरा, इंडिया गेट, हाईकोर्ट और प्रगति मैदान से होकर गुजरेगी। बस अभी कुछ दिन ट्रायल के रूप में चलेगी। बता दें कि 2001 के बाद डीटीसी के बेड़े में एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं थी। दिल्ली सरकार की कोशिश से दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस का सपना साकार हुआ है। 300 और इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद दिल्ली सरकार को प्रदूषण के खिलाफ जंग में बड़ी जीत मिलेगी। इस तरीके की ये पहली बस दिल्ली में आई है और आगे उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च तक 300 बसें दिल्ली में इस तरीके की दौड़ेंगी और दिल्ली की जनता को हर तरीके की सुविधा मुहैया कराएगी। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।